वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएचटी सिटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सपोज ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 24 लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100 प्लस चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विथ 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, ओके, इसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसने एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिला। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट एंड न्यूक्लियर चार्ज। सो रेडियस मींस nth ऑर्बिट, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट मींस आपका कौन से ऑर्बिट में है, तो nth ऑर्बिट, ओके, एंड न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट आपका एटॉमिक नंबर। सो ये आपका अपने फॉर्मूला पढ़ा है बोहर्स पोस्टुलेट में इस चैप्टर में, और यहाँ पे ए नॉट, सो ए नॉट इज बेसिकली हाइड्रोजन के लिए आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस रहता है 50.29 पिकोमीटर रहता है, सो इट्स अ कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, सी है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन स्पेसिस। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, एंड आपको रेडबस कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी दिया है। सो ये जो ट्रांजिशन होता है, ओके, सो उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है वेव नंबर के टर्म्स में, रेडबस कॉन्स्टेंट्स आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, मतलब जो भी आप जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में आप ट्रांजिट हो रहे हैं, ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपका लोअर ऑर्बिट नंबर आता है, और यहाँ पे N2 इज नथिंग बट आपका हायर ऑर्बिट नंबर। सो ऑलरेडी सॉल्व किया है, सो आपका ये फॉर्मूला है, आपने RH का वैल्यू दिया गया है, आपको बोला है कि सेकेंड टू फर्स्ट में आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो एक पहला वाला रहता है वो क्या रहता है आपका लोअर ऑर्बिट नंबर, ये क्या रहता है आपका हायर ऑर्बिट नंबर। सो यहाँ पे 1 and 2 डाला, ओके, सॉल्व किया इसको, सो आपका आंसर क्या आ रहा है, 82258, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, फर्स्ट ऑर्बिट बोला इसलिए n इक्वल टू 1। सो आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सो आपका फॉर्मूला होता है en इक्वल टू माइनस rh, एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान में रखना, आपका z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज आपका कौन सा ऑर्बिट नंबर है। सो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिया हुआ है n z का, पुट करो, ओके, और सॉल्व करो, और आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेट 3 का स्क्वायर इज 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका अप्रॉक्स 18 के ऊपर ही आएगा आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज यहाँ पे बी। सिर्फ ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो आपको पता रहेगा कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, दे आर द स्टेबल, ओके। सो क्रोमियम 24 के लिए जो आपका स्टेबिलिटी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। 4s1 आपका s ऑर्बिटल, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 3d है, 3d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, ओके, और सब में कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका आप देख सकते हैं कि आपको 3d d ऑर्बिटल्स में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बताने हैं। सो अनपेड 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ से बता सकते हैं, 3d 5, एंड करेक्ट आंसर इज
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक्चुअल करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं. सो फॉर ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 माइनस है. सो ऑक्सीजन का बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ऊपर से 2 माइनस है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10. ठीक है. सेकंड क्या दिया, लिथियम प्लस 2. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, बट प्लस 2 है. प्लस 2 मतलब उसमें से आपने 2 निकाल लिया है. ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, कितना हो गया, 1. थर्ड क्या है, हीलियम. हीलियम का कुछ भी चार्ज नहीं दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2. कैल्शियम, कैल्शियम केवल 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब प्लस 2 इन शॉर्ट. सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, प्लस 2 है, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना आया, 18. सो आप देख सकते हैं कि जो पहला का O2 माइनस, इसके लिए क्या है आंसर आएगा आपका, थर्ड है. और लिथियम प्लस 2 के लिए आपका आंसर क्या है, फोर्थ है. हेंस करेक्ट आंसर इज बी. ओके, क्योंकि यही आपका मैच हो रहा है. आपका हीलियम के लिए देखो क्या है, 2 है ना, तो सेकंड वाला मैच हो रहा है. और डी के लिए क्या है, फर्स्ट, 18. ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट डज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपने चार क्वांटम नंबर पढ़े, एन, एल, एम और बाद में स्पिन क्वांटम नंबर. ओके ओके, एन इसको स्पिन क्वांटम. सो एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका सेल एंड ऑर्बिट से रिलेटेड बात करता है. ओके, एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर जो आपका सबसेल से रिलेटेड बताता है. एन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में सब कुछ बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल. एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स में जो दो, एक हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्पिन के रिगार्डिंग बताता है. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो. तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला है तो ये ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल वाला यहाँ पे साइज तो नहीं बताता, ओरिएंटेशन एंड कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते वगैरह ये सब बताता है. हेंस करेक्ट आंसर इज सी. साइज एंड शेप वगैरह ये सब, ये तो नंबर्स है, ये साइज शेप नहीं बताते. हेंस करेक्ट आंसर इज सी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटोन्स. सो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का एक एटॉमिक मास नंबर होता है, दूसरा होता है एटॉमिक नंबर. जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज अ एटॉमिक मास नंबर. सो आपका जो ए माइनस जेड होता है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन नंबर. सो आइसोटोन्स के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे X1, X2 एलिमेंट्स है, इनके जो न्यूट्रॉन्स नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. बट आपका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ये दोनों एलिमेंट का डिफरेंट रहेगा. सो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको केवल एक ए ऑप्शन में दिया गया. ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज ए. बाकी आपको डिफरेंट बोला है केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ये जो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स होते हैं, वो आपका ए एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, ये नंबर्स पे ही रहता है. ओके, इनका जो भी डेफिनेशन रहता है. ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. थैंक. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम हैविंग 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 34 न्यूट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है, 29, न्यूट्रॉन्स का काउंट कितना है, 34. आपको पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सो न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होता है, जो कि आपके एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, सो आपको न्यूट्रॉन्स का काउंट तो दिया गया 34. सो न्यूक्लियॉन इज नथिंग बट आपका न्यूट्रॉन काउंट प्लस प्रोटॉन. और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन्स का काउंट. सो भी इलेक्ट्रॉन का काउंट 29 है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन का काउंट भी कितना होगा, 29. सो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो न्यूट्रॉन इज 34, प्रोटॉन कितना है आपका, 29. तो आप एड कर दो. ओके, 4 यहाँ पे गया, 30. अप्रोक्सीमेट आंसर आपका कितना आएगा, और 30 इज 63. करेक्ट आंसर इज बी. आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा. थैंक. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24. सो क्रोमियम 24 का जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d5. 4s है आपका s सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 1. सो 4s1 यहाँ पे आ गया, और लास्ट में कितना है, 3d5. आपका d सबसेल में जो ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 5 होते हैं. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ईच ऑर्बिटल ऑलवेज फिल्ड विद सिंगली बाय द रूल. सो ओवरऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, d सबसेल के 5 ऑर्बिटल और 4s1 का 1 ऑर्बिटल, ओवरऑल कितना हो गया, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. सो हेंस करेक्ट आंसर इज सी.